हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द यात्रा स्टोरीज ऑफ घुमक्कड़ तुषार। और आप कर रहे हैं दीदार स्पीति वैली का ऑन माय स्पीति वैली बाइक ट्रिप इन देवभूमि हिमाचल। तो फ्रेंड्स, आप अपने घुमक्कड़ दोस्त के साथ फर्स्ट वीडियो में चंडीगढ़ टू नारकंडा आए एंड देन सेकंड वीडियो में नारकंडा से चिटकुल और फिर थर्ड वीडियो में चिटकुल टू करचम आ गए और बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जिसने वीडियोस मिस कर दी हैं तो सब पुरानी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ट्रिप करचम टू नाको विलेज। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर क्या होगा, सारी स्पीति की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और कंटेंट पर जो दम लगता है देन लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर अपना ट्रिप करचम टू नाको। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम यहाँ करचम पे बैठे थे और इतना बड़ा जो काम किया था हमने, मतलब चिटकुल टू करचम आए हुए सांगला इन डेंजरस रोड्स को ट्रैक को खत्म करके और फिर एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। और फ्रेंड्स, कुछ दूर चलते ही करचम से निकलते ही बारिश का तो पता ना चला, बिकॉज थोड़ा सा जस्ट आगे निकले और एकदम क्रिस्टल क्लियर स्काई विद ऑसम वेदर विद टॉप क्लास ट्रैक। मतलब फ्रेंड्स, मन तो कर रहा है कि अपनी रॉयल इनफील्ड को साइड में लगा के ना इस रोड पे जिस ट्रैक पे ना मत्था टेक लूं एकदम। यार इतना अच्छा ट्रैक है। और जो भी हम चिटकुल से आए ना करचम तक, बिल्कुल बेकार रोड था यार। मतलब इतना बढ़िया ट्रैक स्टार्ट हुआ है, मजा आ रहा है ड्राइविंग में। और फ्रेंड्स, इस ट्रैक पे थोड़ा थोड़ा जितना आगे हम जा रहे हैं थोड़ा स्पीति की फील आने लगी है। मतलब पहाड़ों से एकदम वेजिटेशन खत्म होने लगी है, एकदम वर्जिन टाइप के पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं एकदम। और ध्यान देने वाली बात है कि एक अभी पोवारी आएगा नियर कल्पा, जो यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप है इस ट्रैक का। इसके बाद नेक्स्ट पेट्रोल पंप सीधा काजा मिलेगा। तो भाई, जो लोग यहाँ से ड्राइव करते हुए जाते हैं तो अपना यहाँ पे टैंक फुल जरूर करा लें। और वैसे एक पेट्रोल पंप नियर पूह में भी आएगा आगे, बट सब बोलने लगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो बेटर है पोवारी में ही अपना बुलेट का जो भी गाड़ी व्हीकल उसका टैंक फुल करा लें। एंड फ्रेंड्स, क्रॉसिंग कल्पा रिकॉन्ग पियो, मतलब यहाँ से किन्नर कैलाश के बहुत ज़बरदस्त दर्शन होते हैं पहाड़ के। और सनसेट व्यूज ऑफ किन्नर कैलाश बहुत फेमस है यहाँ का। बट अपने को तो आगे नाको निकलना है, सो निकलते हैं टुवर्ड्स नाको। और फ्रेंड्स, अब कुछ ही दूरी पर है पूह एंड देन खाप संगम। जी हाँ, खाप एक छोटा सा गांव है और खाप संगम वो लोकेशन है जहाँ पे स्पीति और सतलुज नदी दोनों का संगम होता है। फ्रेंड्स, कोल्ड फ्रोजन डेजर्ट और ये पहाड़ द आइडेंटिटी ऑफ स्पीति। और क्या जबरदस्त ये ऑसम ट्रैक है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, इस ट्रैक पे रॉयल इनफील्ड चलाना अपने में ना एक अलग ही फीलिंग है, द रॉयल फीलिंग ऑन दिस अमेजिंग ट्रैक। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर लोकेशन खाप संगम। मतलब खाप एक छोटा सा मैजिकल और स्पूकी सा एरिया है नियर इंडो तिब्बतन बॉर्डर। सतलुज नदी और स्पीति रिवर का संगम है। लेफ्ट साइड एक हिस्टोरिकल सिल्क रूट और राइट साइड पड़ेगी स्पीति रिवर। एंड फ्रेंड्स, वी रीच खाप संगम द ब्यूटी ऑफ दिस रीजन। और अब नीचे की तरफ चलते हैं संगम की तरफ जहां पे दोनों नदियां मिलती हैं। खाप संगम, लेट्स एंजॉय द संगम। एंड फ्रेंड्स, नियर बाय वाटर स्ट्रीम और अमेजिंग सतलुज रिवर जो मानसरोवर लेक से निकलती है तिब्बत से, और स्पीति रिवर अपना इधर से आती है स्पीति वैली से निकलती है। और दिस इज द संगम पॉइंट ऑफ बोथ रिवर्स, स्पीति एंड सतलुज रिवर। फ्रेंड्स, दिस इज द संगम ऑफ स्पीति एंड सतलुज रिवर एट खाप। एंजॉय द वाटर। एंड फ्रेंड्स, क्रॉसिंग अमेजिंग खाप संगम ब्रिज और ये कलरफुल तिब्बतन फ्लैग्स हवा में झूलते हुए, मतलब अलग ही फील देते हैं क्रॉसिंग दिस अमेजिंग रीजन। और फ्रेंड्स, क्या जबरदस्त ट्रैक ये स्टार्ट हो गया है। मतलब एकदम कंप्लीट स्पीति वैली की फील देना स्टार्ट हो गया है। मैजिकल एंड स्केरी माउंटेन्स, फ्रोजन डेजर्ट, मतलब एक लोकल लैंग्वेज बोले तो मतलब जीरो वेजिटेशन मुर्रुम के पहाड़, मतलब बिना घास फूस वाले पहाड़। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे ना हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सर्दी भी लग रही है ड्यूरिंग ड्राइविंग। और पहाड़ों की जो स्नो है एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है नियर बाय नाको।
और फ्रेंड्स इस हाईवे से ही ना लेफ्ट साइड बोर्ड लगा हुआ है नाको विलेज का, और ये हाईवे तो डायरेक्ट काजा निकल जाएगा, बट अपने को तो नाइट स्टे नाको में करना है, और फिर नाको में नाको लेक एंड नाको मोनेस्ट्री आर द टू फेमस पॉइंट्स, उनको भी तो कवर करना है फिर। और फ्रेंड्स नाको विलेज में एंट्री करते ही सोचा कि यार लेक और मोनेस्ट्री को भी कवर किया जाए, बट यार यहाँ पे कोल्ड कोल्ड जो फ्रोजन क्लाइमेट है ना उसकी वजह से ना एकदम जो स्किन है एकदम फेस की एकदम बुरी तरह जलने लग गई। मतलब तुरंत होटल पहुंचे और कोल्ड क्रीम बोरोलिन लगाई जो भी मिला यार, और फिर जब जाके थोड़ा आराम पड़ा। गुड मॉर्निंग नाको, और सुबह सुबह का टाइम है और निकल पड़े हैं नाको विलेज को एक्सप्लोर करने टुवर्ड्स नाको लेक। और कल रात को इतना बुरा हाल हो गया था फेस का, मतलब अब तो काफ़ी ठीक है, फीलिंग मच बेटर। और फ्रेंड्स नाको लेक के ऊपर भी एक व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा नाको विलेज का एकदम जबरदस्त व्यू दिखाई देता है। और वैसे आज मौसम भी कुछ अलग ही है, ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल होने वाली है, बर्फ पड़ने वाली है। अमेजिंग नाको विलेज, माउंटेन विद स्नो, नाको लेक विलेज और स्नोफॉल की प्रबल संभावनाएं। हेलो फ्रेंड्स, एंड दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ नाको विलेज, और अच्छी खासी हाइट पे पॉइंट, और ये नीचे आपको दिख रहा होगा यही है नाको विलेज, और नीचे लेक है नाको लेक, बगल में आपको दिख रही होगी मैप वीडियो में। And friends, this is amazing Nako Lake, and the combination of poplar and willow trees is just awesome यार। मतलब ये trees का collection है ना, इस वजह से भी tourist दूर से इस lake की तरफ attract हो जाए। Amazing, beautiful lake. So friends, this is the awesome Nako Lake. एक छोटे सा lake है, और इतनी height पे छोटा सा lake थोड़ा beautify कर देता है area को। तो दो चार boats भी रखी हैं, वैसे boating lake तो नहीं है, but still एक पॉइंट है नाको विलेज का। और फ्रेंड्स यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, और विंटर्स में तो यहाँ आइस स्केटिंग भी होता है, मतलब विंटर्स में तो यहाँ चारों तरफ स्नो ही स्नो होता है, मतलब आइस ही आइस। और फ्रेंड्स आफ्टर लेक और हम अपना मोनेस्ट्री की तरफ जाते हुए और लोकल गांव से निकलते हुए, मतलब यार एकदम अमेजिंग छोटा सा गांव है, हर गांव में हर घर के सामने गाय है, उसका चारा मिल जाएगा रखा हुआ, और फिर मेहमान के बैठने का छोटा सा रूम, और फिर बाकी घर, मतलब अमेजिंग नाको विलेज। नाको विलेज पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल के मकान, कच्चे मकान, और वैसे ही में ठंड रुकती है यहाँ की, अपने वाले सीमेंट वीमेंट वाले मकान तो ज़्यादा सर्दी लगेगी। और फ्रेंड्स नाको मोनेस्ट्री की बात करें तो नाको मोनेस्ट्री ईयर 1075 ऑलमोस्ट मतलब 11th सेंचुरी के टाइम की है, एंड वन ऑफ द फेमस प्लेसेस जहां पे रिंगजिंग ज़ैम्पो आल्सो नोन एज रत्नभद्रा, जिन्होंने बुद्धिस्ट जो ग्रंथ थे उनको संस्कृत से तिब्बतन में कन्वर्ट किया था। और फ्रेंड्स मोनेस्ट्री के गेट में एंट्री करने के बाद इनसाइड मोनेस्ट्री एक स्कूल है जहाँ पे बुद्धिज्म की शायद क्लासेस होती होंगी, और मॉन्क्स के रहने के और उनके ध्यान लगाने के रूम्स हैं बीच बीच में, और एकदम सेंटर में है मेन मोनेस्ट्री जिसमें कैमरा अलाउड नहीं है। और फ्रेंड्स जो मेन मोनेस्ट्री है, पुरानी मोनेस्ट्री है, वो अंदर से बहुत पुराने टाइम की है, और अंदर वेजिटेबल डाइज की पेंटिंग है जो एकदम फेड सी हो गई है, और वही तिब्बतन कल्चरल और उसका ऑरा चारों तरफ आपको फील करने को मिलेगा, वेरी पीसफुल। और भाई अंदर से देखने के लिए तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आज तो मॉर्निंग में ही मतलब एकदम मौसम बिगड़ने लगा है, और भागते हैं फिर अपने होटल की तरफ, और आज तो काजा भी निकलना है यार, देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स रेनकोट शू कवर फुल तामझाम एकदम पैक करके निकल रहे हैं टुवर्ड्स काजा द स्पीति वैली द मेन पॉइंट ऑफ आवर ट्रिप, और रास्ते में ग्यू टाबो एंड धनकर गोम्पा भी कवर करना है। सो फ्रेंड्स और जिसको फ्रेंड्स को अपना स्पीति वैली व्लॉग में इंटरेस्ट आ रहा है तो उनको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक कमेंट भी करना है, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी काजा में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स।